इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि ठाणे महानगर पालिका द्वारा बनाए गए एमएम वली पर जो हॉस्पिटल बनाया गया था, इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने के खिलाफ जो है मुस्लिम लीग पार्टी भूख हड़ताल पर बैठी। जो मुस्लिम लीग पार्टी की महिला अध्यक्ष है मुमरा की, वो फरहत शेख है, और वो आज चौथा दिन है जो भूख हड़ताल पर बैठी है। हम उनसे बात करेंगे कि अब तक उन्हें किस तरह से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, और क्या इस भूख हड़ताल के दौरान कुछ प्रशासनिक अधिकारी उनसे मुलाकात किए या नहीं किए, क्या वजह है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारी आए या नहीं आए, क्या पूरा मामला है, उन्हीं से हम बात करेंगे। फरहत शेख, आपका चौथा दिन है यहाँ पर भूख हड़ताल पर आप बैठी हुई है, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। चौथा दिन है और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो है हमें एज एक्सपेक्टेड कोई आने वाला नहीं था टीएमसी से, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग 7:15-7:30 के आसपास टीएमसी से दो अधिकारी आए थे आज सुबह में, और उन्होंने कहा कि हम लीगल डिपार्टमेंट से हैं, और ये भी कहा कि यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल का मामला वो पॉलिटिकली चल रहा है, लेकिन हमको टीएमसी से ये गाइडेंस मिले है कि आप जो है वो लीगली इस चीज को देखा जाए। तो वहाँ पर से वो लोग आए थे सुबह में, हमारी क्या डिमांड से उन्होंने वो भी पूछा हमसे, उन्होंने पूछा जो लूप होल्स हमने जो बताया कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या हो सकता है, उन्होंने वो भी हमसे लेकर गए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, हम वो रिपोर्ट बना के लेकर जा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि आने वाले 23 तारीख को लास्ट डेट है टेंडर का, क्योंकि टेंडर जो निकला इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं प्राइवेट भूख हड़ताल के लिए। तो बहुत ही कम समय है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छा एक रिजल्ट सामने आने वाला है। अच्छा, आपने जो उनको पॉइंट्स दिए क्या क्या उसमें बताया है आपने, क्या क्या मांग ली? देखिए, जैसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो ये लोगों ने ना एक झांसा दिया है कि ये कैशलेस होगा, लोगों को लगता है अरे वाह हमारा जो है वो बिना पैसों के काम होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग आपको सिर्फ झांसा दे रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि ये हॉस्पिटल जो है वो स्कीम बेसिस चलने वाला है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस स्कीम में फिट बैठते हो तो ही आपका इलाज होगा। ये सारी चीजें हमने उनको बताई, और एक इंसिडेंट मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आज सुबह में एक केस पता चला, एक किडनी स्टोन था एक पेशेंट को, उनका जो स्टोन था वो 16 mm का था, और जब वो इलाज के लिए गए ऐसी एक पीपीपी मॉडल वाले दूसरे हॉस्पिटल में, तो उनको कहा गया कि आपका जो स्टोन है वो अगर 20 mm का होगा तो ही हम आपको ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी आपका कंडीशन है वहां पर, अगर 20 मतलब मरीज को इंतजार करना पड़ेगा उसके पत्थर को उसके स्टोन को 20 mm होने का, वो पूरी तकलीफ उसको झेलनी पड़ेगी और उसके बाद उसको ऑपरेशन होगा। तो ये सारी लूप होल्स है इसके, यानी आप फॉरन जाओ आपकी तकलीफ के लिए, आपको वहां पर इलाज नहीं होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कैशलेस के नाम पर। हालांकि ये एक ही मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि इसमें मैटरनिटी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया इमरजेंसी में आप नहीं जा सकते। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने वहां पर उनको गिनाया, तो उनको भी समझ में आया कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो शायद अभी देखो इन्होंने हमारे से रिपोर्ट तो लेकर गए, अब देखते क्या रिप्लाई आता है वहां से। अच्छा, मुमरा शहर से आपको किस तरह से जो है सपोर्ट मिल रहा है, क्या तंजीमें जो संस्थाएं हैं एनजीओ वगैरह हैं वो आपके पास आ रही है सपोर्ट कर रहे हैं आपको? देखिए, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब मैं तो अभी अभी पॉलिटिक्स में आई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुमरा में ये पहली बार देखने मिला है कि हर कोई जो एक दूसरे को समर्थन कर रहा है, और अब चाह रहे हैं मुमरा के लोग भी चाह रहे हैं, मुमरा की तंजीमें भी चाह रही है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी चाह रही है कि अब मुमरा में बदलाव हो, अब मुमरा में एक चेंज आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जो है वो अलग अलग फाउंडेशन से, गाजी फाउंडेशन है, जागृति वेलफेयर ट्रस्ट है, अभी कुछ रिक्शा ऑटो रिक्शा यूनियन वाले भी आकर गए हैं, वो भी कल समर्थन देने के लिए हमारे पास आने वाला है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे पास आके गई है, पीस पार्टी है, और दूसरी पार्टीज के कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पार्टी के बैनर के साइड नहीं आ सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे वो लोग भी आकर गए हमारे पास, और जो भी सोशल वर्कर है यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर आके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तंजीमों का और लोगों का भी, अभी जैसे हमारे आसपास ये जो महिलाएं बैठी हुई है, ये सारे जो भी इन्होंने हमारे न्यूज देखा, इन्होंने बोला कि ये अच्छा काम हो रहा है और हमको इसमें योगदान देना है, और ये लोग ऐसे हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये लोग इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इनको मालूम है। आपने सब बताया, सभी एनजीओ के लोग बताए, कई राजनीतिक लोग बताए, मुमरा शहर में कोई भी ऐसा काम रहता है अगर, तो शहर में शांति बहाल करने के लिए और मामलों पर शहर के उलमा इकराम सामने आते हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि कहीं भी उलमा इकराम नजर नहीं आए, आपके पास समर्थन देने कोई शहर का उलमा इकराम आया? ये सबसे
ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि ये ऐसे उलमाए हैं जो बीच में किसी एमएलए के ऊपर अगर 354 धारा जो लगी थी उसके ऊपर आपने पूरा जो है वो अलग अलग फतवाएं देने शुरू कर दिए थे, अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन शहर का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यानी सेहत, और आपको एक बात बता दूं कि आप आने वाला भी रमजान आने वाला है, आपने आज भी कोई प्रोग्राम रखा है किसी हॉल में, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम, आप एक बात बताइए, आप रोजे रखने वाले हो, आप नमाज पढ़ने वाले हो, आप अपनी रमजान के लिए तैयार हो रहे हो, अरे आप लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि आपकी एक मुसलमान बहन या मुसलमान भाई कोई आपको आवाज दे रहा है, कल को क्या अल्लाह आपको ये सवाल नहीं करेगा कि एक मुसलमान भाई एक हक की लड़ाई के लिए आपको, वो भी इसी शहर में रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, रहने के बावजूद अपने शहर के मुद्दे के होने का, अपने शहर का मसला होने के बावजूद आप अगर यहाँ नहीं खड़े रह रहे हो तो आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने शहर के मुद्दे के लिए ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, ये बहुत गलत बात है, और कल को अल्लाह आपको आखिरत में सवाल करेगा कि आपकी मुसलमान बहन आपको आवाज दे रही थी, हक के लिए आवाज दे रही थी, आपके रोजे रमजान जो भी है ना आपकी नमाजें, कोई कबूलियत नहीं आएगी जब तक आप इसको कबूल नहीं करेंगे। आप 4 दिन हो गया है, अगर आपकी मांगे जिसे पॉइंट्स तो लेके गए हैं वो, लेकिन अगर नहीं पूरी होती है तो अगला कदम स्टेप क्या रहेगा? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उंगली, ये जो घी जो है वो सीधे उंगली से कभी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और आजकल जो आज की जो पॉलिटिक्स इंशाल्लाह आने वाले दिन में जो चेंज होने वाली है, जो यंगस्टर्स और पढ़े लिखे जो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, अब आपको इसी चीजें इसी तरीके की चीजें दिखेंगी, जैसे आपको भूख हड़ताल दिखेंगी, प्रोटेस्ट दिखेगा, लीगल लड़ाई दिखेंगी, तो हमारे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हम लोगों ने लॉयर से एडवोकेट से भी बात चल रही है, हमारी बात हो चुकी है, हमारे पेपर्स भी हमने उनको दे चुके हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि शायद टेंडर कैंसिल हो जाएगा इंशाल्लाह, और अगर नहीं होती है तो हम इसके लिए लीगल लड़ाई लड़ेंगे और उसके ऊपर स्टे लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग के फरहत शेख टीएमसी हॉस्पिटल के प्राइवेट होने के खिलाफ कुपोषण पर बैठी हुई है, 4th दिन है, और कांग्रेस के सलमान रिजवी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, मुमरा शहर के हर मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से ये अपनी बात रखते हैं, ये भी समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कैसा है कि जिस तरीके से फरहत ने टीएमसी हॉस्पिटल को लेके काफ़ी दिनों से पत्र व्यवहार, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर हो चाहे लोकल प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, मतलब कई दिनों के बाद इस मुद्दे पे आना ये पड़ा कि इनको भूख हड़ताल करनी पड़ी, लेकिन मैं डे वन से ये देख रहा हूँ कि शहर के एनजीओस, पब्लिक, लोकल पब्लिक, कई पार्टी के नेतृत्व इनके समर्थन में आ रहे हैं, यहाँ नहीं, मैंने तो कई पंडालों पे देखा, जब जैसे वहाँ पे सैफ पठान बैठे हैं टोरेंट के लिए, यहाँ पे फरहत शेख बैठी हॉस्पिटल के लिए, तो बड़े शर्मनाक बात ये है कि वहाँ सैफ पठान अपनी जान से खेल रहा शहर के मुद्दों के लिए, शहर में रहने वाले 15 लाख लोगों के लिए, टोरेंट बहुत बड़ी समस्या है शहर की, और इधर फरहत शेख 4 दिन 4th दिन ना कोई टीएमसी का अधिकारी इनके पास आ रहा है हालचाल लेने, ना खुद, मैं तो उनके ऊपर ब्लेम करूंगा जो नगर पालिका के सचिव है मनीष जोशी, इतने बेशरम आदमी है वो कि 4 दिन से एक लड़की भूख हड़ताल कर रही है, ठीक है अपनी समस्या अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम एक फॉर्मेलिटी के थ्रू तो कम से कम आके पूछे क्या मामला है, क्या है क्या नहीं, ठीक है आपकी जो डिमांड है उसको देखेंगे रखेंगे ठहराव पास करवाएंगे, कम से कम ये चीज़ें होती है, लेकिन शहर में 4 दिन से अगर एक लड़की मतलब लेडीज़ प्रायोरिटी होती है, आपने खुद सुना है, लेकिन एक लड़की भूख हड़ताल पर बैठी है और शहर का कोई अधिकारी, अरे नहीं आता मनीष जोशी कम से कम सहायक आयुक्त को तो भेजता कि क्या मामला है जाके देखो, लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि शहर के उलमाओं जो आमदार के पीछे लगे रहते हैं, बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे, बीच में आपने एक चीज़ ये देखा होगा कि शहर के आमदार के ऊपर 354 लग गया था, तो एक उलमा का बयान आता कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जब पत्रकार उनके पास गए और पूछे कि भाई क्या हो गया कैसे क्या, तो रीज़न क्या था मालूम उनका, कि शहर के हमारे आमदार जितेंद्र रावाड़ के ऊपर 354 हुआ तो मेरे को दिल का दौरा पड़ा, मतलब वहाँ सैफ अपनी जान से खेल रहा, दिल का दौरा भूल गया, शहर की समस्या है, आपके घर की खुद समस्या हो सकती है, यहाँ फरहत शेख लेडीज है, लड़की है, 4 दिन से बैठी हुई है, तब आपको दिल का दौरा नहीं पड़ रहा है कि अगर कल को ये प्राइवेटाइजेशन हो गया हॉस्पिटल का तो आपके ही घर की माँ बहनें ना बिल के लिए इधर उधर भटकेंगी, कभी ये नेता के पास कभी वो नेता के पास, कि 1 लाख का बिल आ गया, 1.5 लाख का बिल आ गया, बिल की वजह से मेरे परिवार की जान चली गई, तो बेहतर ये है कि अगर कोई भी मुहिम कोई भी मुद्दा शहर से रिलेटेड हो तो कम से कम आके समर्थन तो दें,
शहर की बच्ची, आपकी बच्ची, कोई गलत काम थोड़ी ना। शहर के लिए अगर सलमान रिजवी भी अगर आवाज़ उठा रहे हैं शहर के लोगों के लिए, पर्सनल व्यक्तिगत नहीं, लोगों के लिए, तो आपका फ़र्ज है क्या कि आप हमको आगे समर्थन दें। फरहान शेख के साथ में यहाँ पर स्थानीय कुछ महिलाएं भी उनके समर्थन में यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और जिस तरह हॉस्पिटल प्राइवेट करने के प्राइवेट जो किया जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग पार्टी जो है भूख हड़ताल पर बैठी है, आप भी समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, तो क्या है ना, यहाँ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया तो जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे कोई भी चेकअप हो 1,000, 2,000, 3,000 से नीचे नहीं आता है, तो अगर म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल रहे ना तो हमारे जैसे लोगों को यहाँ बहुत सुविधा मिल सकती है। और कैसा, हमारे आदमी इतने कमाते नहीं, हम लोग इतने पैसे वाले तो है नहीं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या मतलब कहीं प्राइवेट में इलाज कर सकते हैं। आजकल हर दो गली छोड़ के तीसरे गली में प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। अगर पैसे वाले ही होते हैं तो हम लोग क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते थे? तो यहाँ हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती म्यूनसिपलिटी। अब म्यूनसिपलिटी खोले हो तो आप पैसा कमाने के लिए आप उसको प्राइवेट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल ही हमें चाहिए और लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो। हमारी बहन आज फराज से 4 दिन से भूखी बैठी है, अब पब्लिक को मतलब थोड़ा समझना चाहिए कि ये हमारे खातिर कर रही है। तो मैं गुजारिश करती हूँ तमाम मुमरा वासियों से कि आप आइए, इनका साथ दीजिए और म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल को आपके लिए ही कर रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम है, मेरा बच्चा एक हैंडीकैप है, फुल मतलब एकदम हैंडीकैप है, वो घर पर है, बेड पर है। जब मैं अपने बच्चे को छोड़ के, मैं जैसे फरहत बहन जो मेरी बैठी है, मैं इसका साथ दे रही हूँ, तो बाकी के लोग को देने के लिए क्या प्रॉब्लम है? आखिर ये क्या पब्लिक नहीं चाहती है कि ये हॉस्पिटल रहे हमारे लिए? क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो प्राइवेट में इलाज कर सकते हैं? अगर है तो उनको बोलिए कि आके कि प्राइवेट ही कर लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि जितना सरकारी हॉस्पिटल में होता है उतना प्राइवेट में नहीं होता है। और बेचारी ये हम लोगों के लिए बैठी है, ये अपने लिए भी नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए काम कर रही है, तो आप क्यों ना इसका साथ दे रहे हो? मैं हैंडीकैप बच्चा छोड़ के 100% हैंडीकैप है, मेरा बेटा एकदम ही ब्लाइंक है, मैं उस बच्चे को छोड़ के मैं ये जैसे फरहत बहन का साथ दे रही हूँ, तो आप लोग भी आके दे दीजिए साथ। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मेहरबानी करके। जैसे एक हाथ में एक रेत होती है, जैसे वो हाथ में रेत अगर वो हाथ से पिसल जाए तो फिर मतलब क्या है? मतलब रेत पिसलने के बाद आप ये काम करोगे? उससे पहले नहीं कर सकते हो? फिर वही आप लोग रोना गाना लेके फिर आप आओगे, फरहत बहन मेरा ऐसा है वैसा है, तो क्या ये बहन उस टाइम पे क्या जवाब देगी आपको? फिर आप बोलोगे कि ऐसे बोलते हैं तो इनका क्या साथ? जब ये अपना साथ मांगना चाहते हैं और आप लोगों के लिए साथ देना चाहते हैं, तो आप लोग भी आके दो ना इनका साथ, क्या गलत के लिए बैठे हैं? तो आपने सुना कि जिस तरह से जो TMC हॉस्पिटल है MMLE का, इसे प्राइवेट करने के लिए जो टेंडर निकाला गया है उसे रद्द करने की जो मांग की जा रही है, और तमाम महिलाएं फराज शेख के साथ यहां पर बैठी हुई हैं, इन सभी की यही मांग है कि जो TMC हॉस्पिटल है इसे TMC ही चलाए और इसे प्राइवेट ना किया जाए।